नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करना चाहते हैं, आपकी हसरत बहुत बड़ी है, तो निश्चित रूप से आप में अन्य सभी गुणों के अलावे एक विशेष गुण होना अत्यावश्यक है। आप पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है। ना पढ़े लिखे हो वो तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। आप में यह विशेष गुण होना चाहिए। सवाल उठता है कि यह विशेष गुण है क्या? वह विशेष गुण है चमचागिरी। चमचागिरी। अगर आप अपने संस्थान में या अपने कार्य क्षेत्र में आप एक अच्छे चमचा हैं, अगर आप अपने बॉस का, साहब का बढ़िया से चमचागिरी कर लेते हैं, तो आपका भविष्य एकदम उज्जवल है, एकदम 100% गारंटी के साथ। आप में पढ़ा लिखा होना, आप में क्वालिटी होना, आप में अन्य सारी जो जरूरत की चीजें हैं वह गुण होना आवश्यक नहीं। आप में हाँ मिलाना आना चाहिए। आप साहेब के हर बात को हाँ में बदल दीजिए। कुछ भी बोले आप ना एक शब्द ना बोलिए, कभी तर्क मत कीजिए, कभी कुतर्क मत कीजिए, कोई सवाल का जवाब नहीं दीजिए, बोलिए हाँ सर, हाँ सर, यस बॉस। देखिए आपकी तरक्की कैसे होती है। इसके अलावा आप एक गुण और सीख लीजिए, क्योंकि अब एक गुण है तो उसके सप्लीमेंट में दूसरा भी चाहिए, तो आप दूसरे का चुगली कीजिए। आप अपने सहकर्मी का चुगली कीजिए, उनकी बुराई निकालिए, उनकी छोटी छोटी गलतियों को तिल से तार बना दीजिए, आसमान पर चढ़ा दीजिए, इतनी चीखिए चिल्लाइए कि सबको लगे जरूर कोई बात है। एक बात को हजार बार बोलिए, बार बार बोलिए, 100 बार बोलिए, जिससे वो सच लगने लगे। और अगर रोने धोने आता है तो सोने पे सुहागा। आप रोइए, नाटक कीजिए, कूदिए, नखरे कीजिए, नाक से नेटा निकालिए, आंख से आंसू टपकाइए, नेटा पोंछ के जेब में रखिए, ये सब गुण आना चाहिए। पैर पटकिए, अगर ये गुण है तो समझ लीजिए आपके लिए सफलता की सीढ़ी तैयार हो रही है। इतना ही नहीं, आप खुद कुछ ना करें कोई बात नहीं है, निगाह दूसरों पे जरूर रखिए और दूसरे में गलतियां ढूंढिए खूब बढ़िया से, बारीकी से, क्योंकि बॉस को लगता है जो आप ही सबसे काबिल हैं और आप ही होशियार हैं, तभी तो लोगों की गलतियां निकाल पा रहे हैं। खुद क्या आता है इससे कोई मतलब नहीं है। और आज के साहब लोग भी ऐसे ही होते हैं अधिकतर, जिनको खुद कुछ पता नहीं लेकिन बहुत बड़े जानकार होने का दम भरते हैं और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी बात फिर याद रखिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो एक अच्छा चमचा अपने आप को साबित करना है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।